राधे राधे, साधना किचन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आए हैं, होली स्पेशल मठरी। होली आए और मठरी ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है, आधी चम्मच नमक डाल दिया है, आधी चम्मच अजवाइन डाल देंगे हथेली से मसल कर, एक बड़ी चम्मच इसमें ऑयल डाल देंगे मोमन के लिए, इससे हमारे अच्छे से मोमन डल जाए इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे को जो भी है हमारा अजवाइन नमक मोमन इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, हमको ये मसल मसल के अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। हमको ऐसा मिक्स करना है जो हमारे सारे मैदे में मिक्स हो जाए। देखिए हमारा मोमन कितना बढ़िया से इसमें डला है, बहुत ही अच्छा सा डला है इसमें। हमको ये तब तक मसलना है तब तक ये पूरी तरह से इसमें मिक्स ना हो जाए। हमको ये तब तक मिक्स करना है जब तक ये बंधने ना लग जाए, तब तक मसलते रहना है इसको। देखिए हमारा मैदा बंध रहा है हमारा, इसका मतलब है ये बहुत ही अच्छा इसमें मोमन पड़ा है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालेंगे और इसको मैदे को मार लेंगे। हमें एक साथ पानी इसमें नहीं डालना है, अगर इसमें हम एक साथ पानी डालेंगे तो हमारा पानी इसमें ज़्यादा भी हो सकता है और मैदा हमारा सॉफ्ट हो सकता है, इसीलिए हमें इसमें बहुत कम कम पानी डालना है ज़रूरत के अनुसार। थोड़ा सा पानी हम फिर से डाल देंगे इसमें। अब हमें फिर से ये मैदा लगाना है, इसमें मसल मसल के मैदा लगाना है हमें। दोनों हाथों से हम इसको मसल मसल के नहीं लगाएंगे, इससे क्या है हमारा मैदा बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा। देखिए कितने बढ़िया से हमारा मैदा लग के आया है। हमको होली आए और तरह तरह के व्यंजन बनना पहले से ही शुरू हो जाते हैं। मठरी हैं, गुंजियाँ हैं और भी बहुत सारे आइटम हैं, मिठाइयाँ हैं, खोआ है, सब कुछ बनता है पहले से ही। तो चलिए इसको हम ढक के रख देते हैं 10 मिनट का रेस्ट दे के। हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। देखिए मेरा आटा पहले टाइट था, अब बहुत सॉफ्ट हो चुका है। इसको फिर से हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, हाथों से गुला के हम फिर से मिक्स कर लेंगे। हम इसको जितना भी गुलाएंगे उतना ये सॉफ्ट होगा हमारा मैदा। आप क्या है, मठरियों को तो आप चाय से भी नाश्ते में खा सकते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे खा सकते हैं। अब हम फिर से इसको गुला लेंगे अच्छे से। मेरा मैदा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है, बहुत सॉफ्ट हो चुका है ये। अब क्या करेंगे, हम इसकी रोल बनाएंगे। इसकी रोल बना के चाकू की सहायता से हम इसके छोटे छोटे पीस काट लेंगे। हमको छोटे छोटे पीस काट के अब क्या करेंगे, हम इसकी हमें लोइयां नहीं बनानी है, कुछ नहीं करना है, हमें हथेली से इसको दबा देना है। देखिए हमारी मठरी बनके तैयार हो गई है। ऐसे ही हमको सारी मठरियों को हथेली से दबा देना है, इसमें कोई झंझट नहीं है, बहुत जल्दी से ये बनके तैयार हो जाती है। यह बहुत जल्दी से बनके तैयार हो जाती हैं, आप नाश्ते के साथ भी खा सकते हैं, सुबह चाय के साथ भी खा सकते हैं, बच्चों को टिफिन में भी लगा सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से बनके तैयार हुई हैं ये, आप बहुत झटपट बना सकते हैं इनको। आप एक बार अपने घर पर बनाएं और हमें कमेंट में बताएं आपकी मठरी कैसी बनी। तो चलिए इनको हम तलना शुरू करते हैं। हमको एक एक मठरी इसमें डाल देनी है। गैस को मैंने बहुत कम रखा है, अगर हम तेज़ रखेंगे तो हमारी मठरी जल सकती है और इसमें बुलबुले आना शुरू हो जाएगा और ऊपर से मठरी हमारी सिक जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी अगर हमारा तेल ज़्यादा गर्म हुआ तो, इसीलिए मैंने तेल को बहुत कम ही गर्म रखा है।
गैस मेरी बहुत कम है, तो हम इसके क्या करेंगे, पौनी की सहायता से हम इसको पलट देंगे अच्छे से। अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं और आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें। इससे क्या होगा, हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाएगी। आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, इससे वो भी इस रेसिपी का आनंद उठा सकें। तो देखिए मेरी मठरी कितनी बढ़िया सी बनके तैयार हो रही हैं। अगर आपको और भी किसी चीज़ की रेसिपी जाननी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए और भी रेसिपी लेकर आएंगे। तो देखिए मेरी मठरी बनके तैयार हो चुकी हैं, हम इनको निकाल लेंगे। तो चलिए मैं आपको प्लेट में निकाल करके दिखाती हूँ। क्या बात है, मेरी मठरी बन करके तैयार हैं। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राधे।